आज हम बनाएंगे आलू मसाला वाली बाटी। यदि आपको बाटी पसंद है तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। ये राजस्थान की बहुत ही प्रसिद्ध और ज़बरदस्त टेस्टी रेसिपी मसाला बाटी। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सीमा मीना की रसोई में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। बाटी बनाने के लिए ये मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है, साथ ही डाल देंगे 2 चम्मच सूजी ली है, कोई भी सूजी ले सकते हैं, पतली मोटी जो आपके पास हो। साथ ही आधी छोटी चम्मच अजवाइन को हाथों से क्रश करके डाल देंगे, 2 पिंच मीठा सोडा, नमक अपने टेस्ट के अनुसार, 2 पिंच हल्दी पाउडर डाल देंगे, इससे बाटी में कलर अच्छा आता है। अब हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 3 चम्मच देसी घी डालेंगे। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि आटे के हर कण में मोइन अच्छे से चला जाए। ये देखिए, घी को आटे में अच्छे से मिला दिया है। अब हम हल्के गुनगुने पानी से आटा लगाएंगे, जैसे हम पूरी के लिए लगाते हैं बिल्कुल वैसा तैयार करना है। ये देखिए, मैंने आटा लगाकर तैयार कर लिया है। हमने सूजी डाली है, वो भी फूलेगी। 20-25 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को हम अच्छे से मेस कर लेंगे। आलू को मैंने मेस कर लिया है। अब हम इसमें 1 बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधी छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 पिंच हींग और थोड़ी सी कसूरी मेथी, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 छोटी चम्मच नमक, नमक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मसाला बहुत ही चटपटा है, इस तरह से बाटी बनाकर ज़रूर देखिएगा। मैंने सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब हम आलू के मसाले की छोटी छोटी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इसी तरह सारी बॉल बना लेंगे। अब हम आटे को चेक कर लेते हैं। अब हम आटे को 2 मिनट और आटे को गूँथ लेंगे। उसके बाद हम इसमें से 1 छोटी सी लोई बना लेंगे। हम ज़्यादा बड़ी लोई नहीं बनाएंगे, हम इसमें आलू की मसाले भरेंगे। पहले दोनों अंगूठों की सहायता से कटोरी का शेप देना है, किनारे पतले रखिए और बीच में से मोटा रखिए। अब हम इसमें आलू की बॉल रखेंगे। मसाला आप कम या ज़्यादा भर सकते हैं, मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा ही मसाला डाल रही हूँ। जैसे हम आलू का पराठा पैक करते हैं, वैसे ही हमें इसे भी पैक करना है। चारों तरफ से प्लेट बनाते हुए पैक कर देंगे और एक्स्ट्रा आटा हटा देंगे। और अब हम दोनों हथेलियों के बीच में गोल गोल घुमाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, 1 बाटी तैयार है। इसी तरह हम सारी बाटियां बनाकर तैयार कर लेंगे। बाटी बनाने के लिए हमने तंदूर को मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें एक एक करके सारी बाटियां डाल देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम से थोड़ा कम रखिएगा। अब हम इसे ढक देते हैं। हर 7 मिनट के बाद हमें बाटियों को अलट पलट कर देंगे। ये देखिए, 6-7 मिनट हो गए हैं। अब हम बाटी को अलट पलट कर देंगे। ये देखिए, नीचे से बाटी हमारी थोड़ी थोड़ी सिक गई है। अब हम वापस से 6-7 मिनट और ढक देंगे। बीच बीच में आप चेक कर सकते हैं, ये तंदूर में बाटियों को सिकते हुए 30 से 40 मिनट हो गए हैं। बाटियों में बहुत ही अच्छे से क्रैक आ गए हैं और ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है। अब हम एक एक करके सभी बाटियों को निकाल लेंगे और ये देखिए, बाटियों को मैंने निकाल लिया है और ये बहुत ही अच्छे से तैयार हो गई है। अब हम बाटियों को घी में डिप करेंगे। इस बाटी को आप बिना घी में डिप करे हुए भी खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगेगी। ये देखिए, हमारी बहुत ही बढ़िया बाटी तैयार हो चुकी है। इसी तरह हम सारी बाटियों को घी में डिप करके तैयार कर लेंगे। ये देखिएगा, हमारी मज़ेदार राजस्थानी मसाला बाटी तैयार है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आज की मेरी मसाला बाटी की रेसिपी कैसे लगी।
अगर नहीं भी लगी हो तो भी आप अपना रिस्पॉन्स ज़रूर देना, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये देखिए बहुत ही खस्ता बाटी बन करके तैयार हुई है। इस मसाला बाटी को आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। इसे आप दही या अचार के साथ एंजॉय कर सकते हो, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग सीमा मीना की रसोई। जय हिंद, जय भारत।